हेलो एवरीवन, आज है भैया दूज एंड आज के दिन का मैं पूरा दिखाऊंगी कि हमने भैया दूज बनाया क्या किया। तो अभी अभी हम लोग काम कर रहे हैं घर पे, खाना पीना बनाने जा रहे हैं। खाना पीना बना के फिर हम लोग रेडी होंगे, उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि अभी मेरे भाई लोग आएंगे, हमको अपने घर पे बुलाया है तो भाई लोग आएंगे, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कैसे बना। मेरा भाई भी आ गया है, बज रहे हैं 2:30 एंड अब टीका लगाएंगे, देन उसके बाद ही हम कुछ खाएंगे। मेरे यहाँ जब टीका लग जाता है उसके बाद ही खाया जाता है, तो अब हम टीका लगाते हैं, फिर मैं मिलाती हूँ अपने भाई लोगों से। अब यहाँ हमने पूरी तैयारी कर ली है पूजा के लिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या है हमारे पूजा में। ये देखिए, ये सब होता है। हमारे यहाँ 4 कलर के टीके लगाए जाते हैं और ये मेरे भाई हैं। हेलो, ये बड़ा है और वो छोटा है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। अब हम लोग पूजा करेंगे। दी ने पानी भी रख दिया है ग्लास में, अब हम टीका वीका लगाएंगे, मिठाई खिलाएंगे, फिर उसके बाद पानी पिलाएंगे। अब हम लोग सुपारी फोड़ेंगे दरवाजे के पास, फिर लगाएंगे। Oh,
खाना खाने जा रहे हैं। तो देखिए मैंने खाने में क्या क्या बनाया है। ये देखिए खाने में बनी है मटर पनीर, और ये आलू और मटर और मूली का बनता है अचार, और उसमें है राइस। खोलो बनो, इसमें राइस है एंड ये है सेविंग। अब हम लोग खाएंगे। खाना पीना हो चुका है एंड अब मेरी जो थोड़ा सा कोल्ड था तो अब मेरी हो रही है तबीयत ख़राब, तो अब मैं लेटने जा रही हूँ और बाकी की शूटिंग मैं बाद में करूँगी। अब मैं लेट गई हूँ गाइस, मुझे तो काफ़ी 1 वीक से कोल्ड हो रखा है, और आज तो कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो रही है। एक तो मॉर्निंग से मैं बिज़ी थी खाना पीना बनाने में, फिर होता है ना कि थक जाओ थोड़ा, तो और थोड़ी सी वीकनेस होती है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा हो गया है। अब दो भाई तो मेरे आ गए हैं, अभी एक मेरा भाई और मेरी दीदी भी आनी है, जब वो आती है तब मैं आपको उनसे मिलाती हूँ। ये देखिए अब आई है हमारी बड़ी दीदी, ये सुष्मिता जी हैं। आज इनकी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है तो आज का व्लॉग मैं बना रही हूँ, और ये हमारे भैया जी हैं, ये हमारे छुटकू भैया जी हैं, और ये सुष्मिता दीदी के हस्बैंड जी, और ये निहाल सिंह। तो बस हम लोग भाई दूज का इंजॉय कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा खा पी रहे हैं, खा पी के भी ख़त्म हो चुका है। और ये है ब्रूनो जी, ये लेटे हुए हैं। एंड गाइस व्लॉग शूट करते करते मुझे मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी कि मुझे बहुत तेज़ रात में फ़ीवर एंड हेडेक हो रहा था, तो बाकी शूटिंग इन्होंने की थी और मैं व्लॉग को मुझे यहीं पे एंड करना पड़ा, मेरी एंडिंग नहीं हो पाई थी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर ज़रूर करिए। नीचे बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।